Good evening students, this is Akash sir and welcome to Akash JS classes. Today we are going to start the important question answer that is related to the economics chapter first. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. ओके, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं. चैप्टर है आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ कुछ नोट्स हैं डेवलपमेंट के, हल्का सा इन्हें देख लेते हैं. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम. एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें हम दिखाते हैं कि भाई किस तरह से किसी देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है लोगों का, और रिडक्शन इन द पॉवर्टी गरीबी में कैसे कमी आ रही है. ठीक है, इस तरह के हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप लोग चाहो तो इसे देख लेना. फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, नोट्स आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर यहां से स्टार्ट होते हैं. एक्सप्लेन एनी फाइव फील्ड्स अदर देन इनकम वेयर द डेवलपमेंट. कह रहा है एक्सप्लेन करिए, कोई फाइव फील्ड्स एक्सप्लेन करिए अदर देन इनकम. इनकम इनकम के अलावा कोई और अन्य क्षेत्र, पांच अन्य क्षेत्र जहां पे विकास की आवश्यकता होती है. भाई इनकम में तो ग्रोथ की आवश्यकता होती है, पूछ रहा है इनकम के अलावा और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रोथ या डेवलपमेंट की सॉरी विकास की आवश्यकता होती है. इनकम तो सभी को चाहिए विकास के लिए, लेकिन और भी तो कुछ चीज चाहिए इनकम के अलावा आपको, तो वही पूछ रहा है वो. तो देख लेते हैं और क्या क्या चाहिए होता है इनकम के अलावा. फील्ड्स अदर देन इनकम, भाई इनकम के अलावा और जो फील्ड हैं वो कुछ इस तरह से होंगी. पहला है एजुकेशन चाहिए हमें. इनकम के अलावा हमें एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है, वो होती है हमें एजुकेशन की. किसकी? एजुकेशन की. बिना एजुकेशन के तो कुछ हो ही नहीं सकता है. द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एडुकेट एजुकेशन फैसिलिटीज इन ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज. सरकार को जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और जितने भी आपके शहरी क्षेत्र हैं सभी में पर्याप्त एडुकेट मतलब पर्याप्त तरीके से शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं या फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए. द गवर्नमेंट मस्ट नेसेसरी फोकस ऑन एजुकेशन फॉर गर्ल्स सो दैट ऑल गर्ल्स आर एबल टू एक्वायर एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग. भाई सरकार को इतना तो जरूर करना चाहिए कि सभी लड़कियों के लिए जिससे कम से कम लड़कियाँ बारहवीं तक तो पढ़ पाए. रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. अब सरकार को काम कैसे करना है? रनिंग प्रॉपर स्कूल, स्कूल ऐसे चलाने हैं जो प्रॉपर तरीके से चले. प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश में. सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल तो चलाती है लेकिन जो एजुकेशन है वो क्वालिटी वाली होती ही नहीं है. और टीचर भी भाई अच्छे अच्छे एग्जाम पास करके जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और फिर वो पता नहीं क्यों कुर्सी तोड़ या क्यों भाई पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, कुर्सी तोड़ते रहते हैं बैठ के. मुझे तो समझ में ही नहीं आता. और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि सरकार की पॉलिसी कैसी होती है. जैसे MP है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड होता है. कम से कम आप लोगों को जनता ने चुना है, या एक DM होता है उसको चक्कर लगाने चाहिए भाई. जो एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पर टीचर पढ़ाते नहीं. पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है आपको पता है प्राथमिक शिक्षा है, वह सरकार की क्या है? ड्यूटी है. बिल्कुल ड्यूटी होनी चाहिए भैया. इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्यवस्था की गई है, संविधान में भी व्यवस्था दी गई है राइट टू एजुकेशन. हेल्थ जो है आगे, एजुकेशन के अलावा हेल्थ चाहिए. बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर मस्ट फॉर ऑल. सभी को कम से कम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज तो चाहिए. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए सबको, सरकारी अस्पताल चाहिए, क्लिनिक चाहिए एंड डिस्पेंसरीज भी चाहिए. इस तरह से सरकार को काम करना चाहिए. बिल्कुल, मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, दिवाई क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले गए. ठीक है, आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र खुले गए लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं. मतलब गवर्नमेंट के पैसों को ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसका कोई प्रयोग ही नहीं है. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड डिस्पेंसरीज स्पेशली इन रूरल एरियाज
अब रूरल एरियाज में हम ये सब एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्लिनिक डिस्पेंसरी बना रहे हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त व्यवस्था तो हो टू प्रोवाइड सब्सिडीज एंड अनऑल्टर्ड मेडिसिन टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसको मेडिसिन मिले, दवाइयाँ मिले सब्सिडी पर, इत्यादि इत्यादि जो भी सुविधा है। ये ड्यूटी बनती है सरकार की हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर बात बताऊँ, मैं आप ही बताता हूँ ये वीडियो किस तरह से फैल जाए, तो मैं एक बात बताता हूँ कि यहीं पे पास में एक रायपुर है, अलीगढ़ में आता है, मैं तो खैर बुलंदशहर में हूँ, पास में हमारे बॉर्डर पार करोगे तो आप रायपुर आता है अलीगढ़ में, वहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे सिर्फ ANM BNM वगैरह बैठती है, डॉक्टर सिर्फ पता नहीं बैठता है ये नहीं बैठता कुछ पता नहीं। अब वो सभी मर्जों की दवाई कैसे मिलेगा, मतलब मैं खुद हम अपनी मम्मी को लेके गए तो वहाँ पे उनके थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो वो तो कह रही थी कि भाई अलीगढ़ चले जाओ, मतलब ऐसे हॉस्पिटल खोल भी लिए तो क्या फ़ायदा, क्योंकि जो DM है वो खुद बैठे बैठे कुछ करते ही नहीं है, उनको खुद है क्या, जो CMO को ऑर्डर देना चाहिए DM को भाई जाके आप पूरी तरह से घूमो, क्यों नहीं काम हो रहा है, सरकारी जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आयुष्मान जो हॉस्पिटल खोले हैं वो बंद के बंद पड़े हैं, आपके गाँव में पड़े होंगे, ऐसे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, तो ये कंडीशन है, तो कैसे बताओ देश कैसे डेवलप होगा, डेवलपमेंट के हम ख्वाब सोचते हैं पर डेवलपमेंट कैसे होगी, विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ऐसे विकास, कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। हम चाहें देश की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बन जाए, सॉरी विश्व की, लेकिन इस तरह से विकास होगा, जो समाज का जब से सबसे गरीब तबका है उसको आप हेल्थ और एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, सिर्फ कागजों में हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड कर रही, इस तरह से आप विकास की बात कर रहे हो, इस तरह से विकास होता है, जमीनी लेवल पर आके आप देखते भी नहीं हो कि क्या क्या परेशानियां हैं, कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं उनमें डॉक्टर क्यों नहीं है, अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ना तो सांसद, ना तो MP जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ना ही MLA और ना ही एक DM, कुछ नहीं करते ये लोग। इनकी ड्यूटी होनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई इनको एक पद दिया गया है, आप भ्रमण करो भाई, कौन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है सही तरीके उसको देखो। आगे है तो एटलीस्ट आप पढ़ के ऐसे मत बनना भाई, अगर कोई पोजीशन पे पहुंच जाओ तो अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना, पढ़ने का कतई मतलब नहीं है कि बस हमें एग्जाम पास करके नौकरी लेना है, भाई देश के विकास में हमें इस तरह से सहयोग देना है जिससे पूर्णतः देश का विकास हो सके, ऐसे नहीं, इस तरह के लोगों से नहीं हो सकता है देश का विकास। मैं उत्तर प्रदेश में देखा है, हर एक कंडीशन देखी उत्तर प्रदेश में, न्यूट्रिशियन एंड इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इज वेरी एसेंशियल। एंड न्यूट्रिशियन सिस्टम में मैं नहीं बोलूंगा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल बोलूंगा, 100% बोलूंगा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की, सरकार का कोई मतलब नहीं, चाहे सरकार कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई काम नहीं करती, उत्तर प्रदेश में तो एटलीस्ट पता है मुझे। एन इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम PDS डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से इफेक्टिवली लागू करवाएं और प्रॉपर फंक्शन करवाएं ऑफ राशन शॉप्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, जो खाद्यान्न है उनका जो है समान रूप से वितरण हो सके, तो ये बहुत आवश्यकता है, जो इस तरह से हम जो है देश में विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, ये बात की बात आपको माननी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि रोड वोड अच्छी तरह से बनवाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल काम नहीं हुआ है मेरे। अ वेल डेवलप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मेक इजी जनरल पब्लिक कम्यूट, एक वेल डेवलप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है जिसमें हर कोई जा सके, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एट अ रीजनेबल रेट्स टू द कॉमन मैन एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्राइवेट कंपनीज। अब तो ऊपर से एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, वो मनमाने बिल भेजते हैं अपनी मर्जी से, जहाँ पे 5 से 7 घंटा कट, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा बिजली की व्यवस्था है, वो कटौती करते हैं 6 से 7 घंटा और कटौती, या 10 से 11 से 12 घंटा बिजली देते हैं उसमें भी इधर उधर कटौती कर देते हैं, फिर भी बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं।
तो गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए मेरे अनुसार। आपके क्या राय है भैया? इलेक्ट्रिसिटी हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर, तभी देश का विकास हो सकता है। व्हाट डज एसटीआई, क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना, सिर्फ क्वेश्चन की तरह मत करना। व्हाट डज एसटीआई स्टैंड फॉर, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स किस बात पर स्टैंड करता है? एक्सप्लेन द मेन क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग एसटीआई अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी रिपोर्ट 1990। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स किस बात पर निर्भर करता है? एक्सप्लेन द मेन क्राइटेरिया, कुछ मुख्य क्षेत्रों के नाम बताओ, ठीक है, जिसके द्वारा हम एसडीआई को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस तरह से हम उसको डेवलपमेंट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि एसडीआई होता क्या है। सबको पता है वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसका मेन क्राइटेरिया देख लेते हैं। SDI पब्लिश बाई UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक इसको पब्लिश करती है। अब देश में क्या क्या कंपेयर होता है, कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, उसमें देखा जाता है कि लोगों की शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से है, हेल्थ फैसिलिटीज किस तरह से है, और पर कैपिटा इनकम किस तरह से है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। SDI डिटरमाइन द रैंक ऑफ अ कंट्री बाई इट्स ओवरऑल अचीवमेंट्स इन थ्री एरियाज। SDI डिटरमाइन करती है द रैंक ऑफ अ कंट्री, भाई SDI के हिसाब से ही किसी भी देश की रैंक बनती है, ठीक है, कि भाई उसकी रैंक क्या है। बाय इट्स ओवरऑल अचीवमेंट देखते हैं कि भाई उसकी टोटल अचीवमेंट्स क्या है उसके इन थ्री एरियाज, कौन कौन से में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनकी उम्र कितनी है, कितनी उम्र तक वो जीते हैं, एजुकेशन लेवल देखते हैं, और पर कैपिटा इनकम देखते हैं, इन सब चीज़ों को। आगे है मेनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड, बहुत सारे इंप्रूवमेंट सजेस्ट भी की गए हैं कि जिसके थ्रू हम कैलकुलेटिंग कर सकते हैं SDI को। एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं ऐड किए गए हैं। प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज बीन मेड इट क्लियर दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीफिक्सिंग ऑफ ह्यूमन टू डेवलपमेंट, पहले से ही हमें अगर प्रीफिक्स कर दें ह्यूमन इंसान को कि भाई उसे इतना डेवलपमेंट प्राप्त करना है, इट हैज बीन मेड इट क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, और ये क्लियर कर दिया जाए कि डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इज व्हाट इज द हैपनिंग टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, उस देश के नागरिकों को क्या होगा, द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें पता चलेगा कि किसी भी देश में जो स्वास्थ्य है और लोगों की जो भलाई है, अच्छा रहना, उन्हें अच्छी तरह से जीवन जीना, बीमार ना पड़ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, कह रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स आल्सो बिसाइड्स इनकम। इनकम के अलावा और भी अन्य डेवलपमेंट गोल होते हैं, वो आपको बताने हैं। बिल्कुल सही है भाई, आय के अलावा और भी आपको जो है लक्ष्य प्राप्त करने पड़ते हैं जीवन में। तो कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करते हैं? पहला, मोर इनकम एंड मोर मटेरियल गुड्स, ज़्यादा इनकम ज़्यादा आय की तलाश में हम ज़्यादा मटेरियल गुड्स की तलाश करते हैं। जैसे आप लग्जरी लाइफ जीते हो, ठीक है, लग्जरी लाइफ कह रहा हूँ, मटेरियल गुड्स मतलब लग्जरी लाइफ, विलासिता का जीवन जीते हो, डू नॉट ऑलवेज गिव अस अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम ज़्यादा है, आप ज़्यादा लग्जरी लाइफ, बड़ी कोई कार चला रहे हो, या एकदम आपका मकान बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी जो ज़िंदगी है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ अन्य चीज़ों से डिसाइड होती है, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट। तो अन्य एस्पेक्ट्स भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुछ अन्य एस्पेक्ट्स भी हैं, अन्य आयाम भी हैं, जैसे भैया समान व्यवहार, आज़ादी, सुरक्षा, अवसर है ना, सीखने का अवसर प्राप्त होना, कार्य करने का अच्छा स्थल होना, पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर, एक ऐसा स्थान जो पूरी तरह से प्रदूषण फ्री हो, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, जिस जो नौकरी कर रहे हो वहाँ सैलरी तो ज़्यादा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, एंड गुड सोशल लाइफ, और जो आपका सामाजिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा है, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वैसे भी आप सोच रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। सेकेंड, मेनी और मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट, जो वह व्यक्ति मनी से और पैसे से चीज़ों को खरीद सकता है, इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। ये केवल एक फैक्टर है कि अगर आपके पास पैसा है आप हर एक चीज़ खरीद सकते हो, तो जीवन का सिर्फ ये एक फैक्टर है, ठीक है, जिस पर हमारा जीवन डिपेंड करता है। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ अलग है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में
आप चाहोगे कि आप एक ऐसी जगह रहो जहां आपके बच्चे सुरक्षित रूप से सुरक्षित रूप से आप घर से स्कूल, स्कूल से घर, ट्यूशन से घर, इस तरह से वो आ सकते हैं। आप एक ऐसा जीवन कभी जीवन पसंद नहीं करोगे, एक ऐसे ऐसी जगह को पसंद नहीं करोगे जहां आपको आपके बच्चों की सुरक्षा ना हो, आपकी सुरक्षा ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मेटेरियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द रोल ऑफ अवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों का महत्व हमारे जीवन में, विच कैनॉट बी मेजर्ड, जिसको हम माप ही नहीं सकते, दोस्तों को दोस्तों की तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट मीन अ लॉट टू अस। अनदर एग्जाम्पल, इफ वी गेट अ जॉब, सोचो आप भी कोई पैसे वाला हो गया, आपका दोस्त है जो पैसे वाला हो गया है, तो वो अपने लिए हुआ है, आपके लिए थोड़ी ना होगा, आपके लिए तो आपके लिए उसकी दोस्ती इंपॉर्टेंट, ना कि उसका पैसा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, इफ वी गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको नौकरी कहीं दूर जगह मिलती है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट वी वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द इनकम सच एज फैसिलिटीज टू आवर फैमिली। तो हम देखते हैं कि भाई अगर हम दूर नौकरी करने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये तो देखोगी क्या क्या सुविधाएं हैं परिवार के लिए, जहां आप काम कर रहे हो वो वर्किंग एटमोसफेयर कैसा है, कार्यस्थल कैसा है, क्या आपको वहां सीखने का अवसर मिल रहा है या कुछ नहीं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल, इसलिए डेवलपमेंट में लोग मिक्स गोल देखते हैं, है ना, मिश्रित लक्ष्य देखते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, ये सत्य है कि महिलाएं अगर पेड वर्क में एंगेज रहेंगी, देयर डिग्निटी इंक्रीजेस, तो उनकी डिग्निटी बढ़ेगी। बिना पेड वर्क का मतलब है घरेलू काम, हाउएवर इट इज ऑल्सो, मतलब उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। इट इज ऑल्सो हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन थ्रू वुड बी विन मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन, अगर हम महिलाओं को क्या देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, देर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, तो उनके साथ हम अगर थोड़ा सा हाउस वर्क में शेयर कर लें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी और एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।